नमस्कार। आज मैं पत्ता गोभी के पकोड़े बना रही हूँ। मैंने 200 ग्राम पत्ता गोभी ली है। इसे मैंने धोकर कद्दूकस कर लिया है। एक बड़ी कटोरी मैंने बेसन की ली है। एक मैंने आलू लिया। आलू का छिलका उतार कर मैंने धोकर कद्दूकस कर लिया। इसे मैंने 3-4 और पानी से धोकर नचोड़ लिया है। 7-8 मैंने पालक की पत्ती ली है। इसे धोकर मैंने बारीक काट लिया है। एक अदरक का टुकड़ा लिया। इसे भी मैंने बारीक लंबा काट लिया है। 7 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। 6 मैंने लहसुन की कली ली हैं। और 1 छोटा चम्मच मैंने जीरे का लिया। इसे दरदरा मैंने कूट लिया है। 2 चम्मच मैंने चावलों का आटा लिया है। आधा मैंने नींबू का रस लिया है। 1 छोटी मैंने चमची लाल मिर्च ली है। नमक स्वाद अनुसार। आइए पहले इन सबको घोलते हैं। पत्ता गोभी डालेंगे। आलू डालेंगे। अदरक, पालक, हरी मिर्च, लहसुन और जीरा डालेंगे। नींबू का रस इसे मिलाएंगे अच्छी तरह। लाल मिर्च डालेंगे। चावलों का आटा डालेंगे। नमक, थोड़ा थोड़ा कर कर हम बेसन डालेंगे और मिलाएंगे। तीन चम्मच हमने बेसन के पहले डाल दिए थे। 2 चम्मच बाद में डाले हैं। 5 चम्मच हमने बेसन के डाल दिए हैं। घोल हमें ऐसे ही चाहिए। आइए बनाना शुरू करते हैं। गैस को ऑन करेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पर करेंगे। पकौड़े डालेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर ही हमने फ्राई करना है। पकौड़ों को हम हाफ फ्राई निकाल लेंगे। तेल को हम फुल फ्लेम पर गर्म करेंगे। तेल गर्म हो चुका है। पकौड़ों को डालेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। पकौड़ों को हम निकाल लेंगे। गैस को बंद करेंगे। पत्ता गोभी के पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरे बनाए हुए पकोड़े अच्छे लगे हों तो घर पे बनाएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।